हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ। और मैं इस देश के, अपने भारत देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी, पुरातत्व विभाग के सभी लोग, उनको भी मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज का जो कार्यक्रम करने का मौका हमें दिया है यहाँ पर, इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये हमारे देवगिरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनोद पाटिल को भी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए पहल की, कोशिश की और ये आज का मौका हमें मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती इस आगरा के लाल किले में हम लोग मना रहे हैं, जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनका अवमान करने की तो हिम्मत नहीं है, उन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उनको खड़े बोल सुनाए थे, यही दीवाने आम दीवाने खास सभागृह है और आज उसी सभागृह में, उसी लाल किले में हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम मना रहे हैं। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। मेरे और हम सब लोगों के जीवन में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, सोनेरी अक्षरा मध्ये आज का दिवस लीला जाईल। आज सकाळी शिवनेरीला होतो, शिव जन्मोत्सव साजरा केला आणि त्यानंतर आज आगरा हा ऐतिहासिक ठिकाण आहे, ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर से छत्रपति शिवाजी महाराज फिर सही सलामत हमारे स्वराज्य में दाखिल हुए थे, ये इतिहास है। और उसी का मैं बदला नहीं लूंगा, मतलब बदला ही कहूंगा, 300 आणि त्याचा बदला आज आपल्याला घ्यायची संधी मिळाली आणि महाराष्ट्रातून, दिल्लीतून, उत्तर प्रदेश मधून अनेक शिवभक्त या ठिकाणी आले आणि आजच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले। मला विनोद पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री महोदय, तुम्हाला आग्र्याला लाल किल्ल्यात शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करायला यायचं आहे। मी म्हणालो, आज यहां पर मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं आया हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला, शिव भक्त, शिव प्रेमी करके आया हूं। म्हणून आज का दिवस जो है आपल्या सगळ्यांसाठी एक विलक्षण रोमांचकारी दिवस है। आठवा त्यावेळचा छत्रपति शिवाजी महाराजांचा इतिहास, पेशावर ते तंजावर, महाराष्ट्र ते आग्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज त्या 50 वर्षांमध्ये, त्या पूर्वीचा काळ आपण जर आठवला, मोगलशाही, आदिलशाही, कुतुबशाही, सगळे या देशात, राज्यात सगळीकडे अन्याय, अत्याचार करत होते। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा आई जिजाऊंच्या, जिजाऊंनी जन्म दिला शिवनेरीवर,
आणि त्यानंतर जे पूर्वी जे होत होतं आणि त्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या काळात 55 वर्षांमध्ये त्यांनी या राज्यासाठी देशासाठी सगळ्यांसाठी जे केलं ते कुणालाही विसरता येणार नाही। आणि त्याचमुळे आज 350 वर्ष झाली तरी सुद्धा शिवाजी महाराजांनी जे काम केलं त्याची आठवण एकही दिवस एकही क्षण जात नाही की छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येत नाही, बरोबर ना? उनको कभी हम नहीं भूल सकते। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका कार्य इतना बड़ा था, वो बहुत ही कुशल संगठक कुशल प्रशासक थे। आज शिवनेरीवर गेलो, रायगड बघा, प्रतापगढ़ बघा, किल्ले बघा, कसे गड किल्ले बनवले, सांस्कृतिक खात्याचे आमचे मंत्री इकडे आहेत, कशा तोफा नेल्या, कसं त्यांचं त्यावेळेचं आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग दूरदृष्टी गडावर पाणी। छत्रपती शिवाजी महाराज ही एक दैवी शक्ती होती, दैवी शक्ती। आणि म्हणून आज या ठिकाणी आपण शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करतोय। खऱ्या अर्थाने पहिली आजादी के बाद पहिली बार हो रहा है विनोद, आजादी के बाद पहली बार ये आगरा में लाल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे विलक्षण और रोमांचकारी क्षण है। हम भाग्यवान है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हम लोग मना रहे। याद करो उस वक्त का क्या कैसे हो सकता, कैसे समय रहा होगा, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा इतिहास हमारे शिवाजी महाराज का था। और जैसे कहते हैं दौलत तो विरासत में मिलती है लेकिन पहचान तो स्वाभिमान से मिलती है, और वो अपने दम पर बनानी पड़ती है। वही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया। आणि म्हणून स्वाभिमान त्यांच्या नसा नसात भरला होता। या काळामध्ये औरंगजेबाची फौज, त्याचं साम्राज्य, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज त्याच्या समोर झुकले नाही, वाकले नाही, स्वाभिमानी बाणा दाखवला। आणि म्हणून आपलं महाराष्ट्र गीत आहे, महाराष्ट्र गीत आपल्या सरकारने तयार केलंय, त्याच्यामध्ये आहे दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, हा आपल्या महाराष्ट्राची ओळख आहे। आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, वेळ आपल्याकडे कमी आहे, आपल्याला उत्तर प्रदेश सरकारने परवानगी दिली, योगीजी स्वतः त्यांनी संदेश दिला, योगीजी देखील शिवभक्त आहेत, आप उत्तर प्रदेश के सभी यहाँ उपस्थित है। मैं आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से यहाँ मनाने का अवसर मिला है। बहुत ही खुशी है हमारे महाराष्ट्र के लोगों में, जहाँ जहाँ देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेम करने वाले शिव भक्त है, शिव प्रेमी है, उनके जीवन में बहुत ही बड़ा दिन है आज का। कई लोग यहाँ नहीं आ पाए, कई बाहर खड़े हैं, कई सब जगह से लाखों करोड़ों लोग ये शिव जयंती को देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें इतना ही कहूँगा मैं कि शिवाजी महाराज ये बहुत बड़े योद्धा थे, और उनका एक ही था, उनको राजा बनना था या साम्राज्य बनाना था इसलिए नहीं, उनको जनता की सेवा करनी थी। वो मराठी में कहते थे, रहतेचा भाजीचा देटालाई हात लागता कामा नये, ऐसा राजा कहाँ देखने को मिलेगा। आणि म्हणून आज इनके कुछ
अलग जो शिवाजी महाराज अन्य योद्धाओं से अलग क्यों क्यों है? वे पहले ऐसे लीजेंडरी थे जिन्होंने बादशाही से पूरे देश को आजाद करने का सोचा। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के बीज उन्होंने बोए थे। 400-500 सालों के इस्लामिक राज्य के बाद वे पहले हिंदू राजा थे, पहले हिंदू राजा थे। मुगल, आदिल शाह, कुतुब शाह, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, सिद्दीन सबसे एक ही समय में, एक ही समय लड़ने वाले वो एकमात्र राजा थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।